मनाली से आए हुए मुझे 2 दिन हो गए और मैं चला गया ड्यूटी। उसके बाद मैं वापस आया तो सोचा कि एडिट करूँगा। कल पूरा दिन लग गया मुझे, 9 बजे चला था मैं फरीदाबाद से सोनीपत पहुँचते पहुँचते किसान आंदोलन की वजह से रात को मैं 10-11 बजे पहुँचा हूँ। अभी सोच रहा था कि एडिट करूँगा, सोनीपत चले गए, छोटे मोटे काम थे जिनसे चला गया। मनाली वाली वीडियोज़ ज़्यादा अच्छी नहीं बनी, जैसी बनी है एडिट करने बैठा था तो मैम कहती कि पंडित जी ने बोल रखे गाय कुछ आर्डर कह रहा बच्चों को कहीं घुमा के ले लाए, चलो जाके आते हैं। तो मैं सोचा क्यों ना छोटा सा ब्लॉग बना लीजिए उसका। गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है, हम भी ऐसे देसी कपड़ों में हैं, घर के वाले कपड़ों में हैं। और खोलेगी दीदी, खोलेगी। और इन्होंने कोई खास वैसे ही नहीं पहने, कह रही है मैं कपड़े चेंज करूँ, मैंने ठीक है जैसी है वैसे ठीक है। पहले बोले तो कुड में चलना है, बट कुड में पता नहीं मेरा मन नहीं करता कुड में बैठने का। दूसरा फिर अभी आजकल मेरे चलाने का भी मन नहीं कर रहा गाड़ी को, कोई सी भी गाड़ी को। तार उस दिन थोड़े रास्ते में थोड़ी देर चलाई थी बट फिर कोई फुटेज नहीं बनाया और चलाने का मन भी नहीं कर रहा। तो अभी मैंने दे दी है मैडम को गाड़ी, मैडम चलाएगी, आप बैठेंगे साइड में। क्यों बच्चा पार्टी सही बोला ना? बोला मम्मी ज्यादा अच्छी चलाती है इसलिए लिया मैंने। मम्मी अच्छी चलाती गाड़ी? पापा भी चलाते हैं। नहीं पापा अच्छी चलाते हैं ना? ये तो ना लड़की है ना, पापा की है बेटी है, तो पूरी पापा की है। वाह, पापा अच्छी चलाते हैं गाड़ी? हाँ पापा अच्छी चलाते। नहीं ज्यादा अच्छी कौन चलाता है, पापा ना? हाँ सी पापा चलाते बहुत अच्छी, पापा चलाते बहुत अच्छी गाड़ी। हाँ फिर आप पापा आइसक्रीम दिलवाएंगे आपको। ओह माय गॉड, ये है किधर गई मम्मी? गाड़ी में चाकू है। चाकू? अरे मिल गए खानदानी चाकू। ये नहीं है वो, ये नहीं है वो, ग्रीन कलर का था। अच्छा पर तुम्हारे तुम चाकू क्यों? मैं वही कहूँ किचन में नंबर ऑफ चाकू कम क्यों हो रहे हैं, तुम यहाँ क्यों? नहीं गाड़ी में आया कैसे, कुछ काम के लिए लाया हूँ, बिना मैं चाकू का क्या करूँगा, सब्जियाँ काटता हूँ। तो बच्चा पार्टी टिक के बैठ जाओ, मम्मी चला रही है। तो क्या हुआ? तो क्या, अरे मम्मी डेंजर चलाती गाड़ी। आप चलाते जैसे कुछ चीता भाग रहा हो। हाँ पापा तो पापा इस चीता बेटा। मम्मी कैसे चलाती है? एक दिन की टीचर पूछ रही थी कि टाइगर पता नहीं क्या बोल रही थी कि टाइगर के बारे में कोई सेंटेंस बोल रहा हूँ, मैंने कहा बोल दे माय फादर इज टाइगर। है ना बेटा? है ना? यस ये है पापा की बेटी। ऊपर से, अरे सुनो तो ना, ऊपर सारी भीड़ जा रही है इसलिए नीचे खाली पड़ा है, जाना वहीं है। ये हमारा पुल बन गया है नया, ये पुल ऐसी फीलिंग आती जैसे हमारा हो, पर्सनल पुल हो। सोसाइटी से बाहर निकलते, सोसाइटी से बाहर निकलते पुल है तो खुद का पुल महसूस होता है। तो कभी कभार तो ऐसा लगता है कि एक टोल मैं लगा दूं इसके ऊपर और टोल वसूलूं। लोग कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब कहाँ लुट के लेके जाओगे, तो पैसा नहीं कहाँ लेके जाओ, कोई ज़्यादा कमाई नहीं भाई लोग, लगता है दूर के ढोल सुहावने हैं। मुझे लगता है मैडम पता नहीं कितना कमा रही है, मैडम को लगता है मैं पता नहीं कितना कमा रहा हूँ, आप लोग तो हम दोनों पता नहीं कितना कमा रहे हैं। कुछ नहीं कमा रहा कोई। चलो क्या बात कर रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं गाय को चारा डालने। अब आप पूछेंगे आपने मास्क नहीं पहन रखा, तो हम मास्क लाना भूल गए हैं। वैसे भी वैक्सीन आ गया, अब गाय को घबराना है ऐसा नहीं है, मास्क आपको फिर भी रेगुलर पहनना है, हम लाना भूल गए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। हम गाय को जाके बिल्कुल पपे। बेटा क्या गा रहे हो, कौन सा गाना? अभी तो गाया था। अच्छा गाय का गाना ऐसा होता है, बो 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 बो। ढंग का गा लो बेटा, के गाना गा रहे हो? जब ये छोटी थी ना पुम्बा तो हमें लगता था बोलती नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं गूंगी रह जाएगी, इतना चुप रहती है, 2-2.5 साल तक की हो गई थी बोलती नहीं थी, परेशान हो गए डॉक्टर से, हम कंसल्ट कर रहे थे कि बोल क्यों नहीं रही है। चुप, अब ये चुप नहीं हो रही है। और फिर से डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा कि चुप क्यों नहीं हो रही। दांत दिख रहे तेरे? हाय हाय। हाँ चारे के पैसे ले। चारे पैसे के लाके आ रही, चारा लेके आई? तो चारा तो वहीं मिलेगा, चारा तो उधर ही मिलेगा। अच्छा चारा वहीं खरीद, देख के मुझे क्रेटा है वो ना। अभी आप तो फर्स्ट टाइम जा रहे हो वहाँ ना, मतलब मूर्थल की जमीन दी हुई है वो कुटिया में। कल मेरा खुद बड़ा मन है कि मैं एक थोड़ा सा आधा किला 1 किला जमीन खरीदूं, पैसे नहीं मेरे पास,
खरीद के उस पे दो तीन गाय रखूं, दो तीन भैंस रखूं, एक अपना ट्यूबवेल लगाऊं। ट्यूबवेल क्या होता है? ट्यूबवेल होता है बेटा जब जमीन में गड्ढा कर देते हैं वहां से पानी निकालते हैं। ओ देवी देवी बेल्ट, अच्छा बेल्ट। तो ट्यूबवेल लगाऊं, थोड़ा सी छोटी बहुत ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह नहीं है बट अब मान जा। तो गाय के साथ खेलते हो आप? मैं तो गाय को छूती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ मैं नहीं तोती। एक बार तो क्यों? इसलिए वो बहु करती है। बहु करती है वो? और लोग गाय डर लगता है। अच्छा डर लगता है आपको? खराब कर दिया मेरा। ये रोहिन बैठ गई यहाँ पे आके, बेकार ही आ गई। नहीं बड़ा गज्जा आ गया। बड़ा गज्जा आ गया। रोहिन कैसे टंग रही है पीछे? बैठ जा टिक के, सर फड़ाएगी। मैं तो आगे हूँ। हाँ तो वो आगे सर आगे मुंह फड़ाएगी, पीछे सर फड़ाएगी। हैं दोनों को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अभी उसको लेके तो गए थे, फूटा था। कहाँ फूटा सर? हम कहाँ जा रहे? पिंची उबी के नहीं जा रहे बेटा, गाय के पास जा रहे हैं। गाय के? अच्छा अच्छा। क्या होता है गाय के घर में? बहुत बहुत है। हाँ मैं तो काटूं, ये यू करते हैं, ये गोल गोल। हाँ इसके अंदर से आते। हाँ और ये से खुलता नहीं है ना, इसमें इसे कर सकते हैं। हाँ पापा मैं ये ले लूँ। ले लो, इसका क्या करोगे आप? कहाँ रखोगे भाई? मैंने दो पाल रखे हैं, वो ले ले। मेरे को असली बछड़े हैं, पिल्ले है ना बेटा। तो करेंगे बेटा, खाना कौन खिलाएगा उसको? मैं खिलाऊंगी। मैं ऐसे पूछो पोटी कौन देगा? म्याऊ म्याऊ ला दो आपको। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉगी ला दो, डॉगी। पापा बोलो क्या है? म्याऊ लाना है? हाँ। तो फिर म्याऊ लेके आते हैं। चलो पहले एक बछड़ा ले चलते, फिर म्याऊ लेके आएंगे। चले बछड़ा मेरा। ठीक है आपको जी, मैं तुम सबको बाहर निकाल दूंगी। छोटे पपीते और बड़े पपीते। क्या डर लग रहा है? हाँ बेटा भागो नहीं, डॉगी आगे खा जाएगा। ऐसा सा फार्म हाउस कह रहा हूँ मैं, इधर ही आगे कर लिया करो सेवा गायों की। इच्छा हो तो है, ट्यूबवेल है, पपी है, ये क्या है? ट्यूबवेल थोड़ी है, वैसे होदी बना रखी है। ये सारे ना मूर्थल गाँव के लोगों ने दान में दे रखी है जगह गायों के लिए। आजो, भैंस का पोटा है, गाय का पोटा, गाय का पोटा। गुस्से थेपड़े? गुस्से थेपड़े मतलब? हैं? गुस्से थेपड़े हैं क्या? उसका मतलब क्या होता है? गुस्से थेपड़े का मतलब है जो ये गाय के बनाते ना उपले। क्या कर रहा है? देख रही हूँ। फोटो खींच रहे? नहीं, ऐसे करके तीन को देख रही हूँ, कभी कभी चूत। स्वीटी के पास जा रही हूँ। शांति तो मिल रही है, स्वीटी नहीं मिली। स्वीटी क्यों अंदर नहीं थी? कहाँ गई? आउटिंग पे गई है? पता नहीं कहाँ गई, वो कह रही स्वीटी नहीं है, स्वीटी नहीं है यहाँ पे। हाँ अच्छा सा नहीं लग रहा, बड़े शांत। अरे मैं पिछली बार सोच रही थी कबूतरों का दाना लाऊंगी। बेटा टिक के बैठ जाना यार, तुम कभी मेरे पास।
मजे मजा आ रहा है मजा आ रहा है। घर बना लेते मम्मी। मैं तो हाथ से घर बना लूं पर ये ऊपर से ये गंदा हो जाएगा। ओ माय गॉड गंदा हो जाए। हां इसलिए ऊपर करना पड़ेगा। दौरे में बनाते नहीं थे जाके बचपन में, यूं करके झंडा लगा के ये मेरा घर। हम काम तो गए नहीं है, गौशाला में ही बना दिया कब्जा करके अपना घर। जी से आयो ऐसा मनाली वाला बनाएंगे यार, एडिट करने में टाइम लगेगा थोड़ा। इतने कोई खास वीडियोस बने भी नहीं। पुम्बा नहीं आ रही, पुम्बा कह रही मेरे को नहीं डालना स्वीटी को खाना, और ये क्लेम कर रही कि स्वीटी उसकी है, मतलब सोनू की है कि टीटू की स्वीटी है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। मुझे नहीं पता था आपको भी ये काम आते हैं। कह रही है पहली बार कहाँ बंधी थी वहाँ, आज नहीं बंधी थी, वो इधर उधर मिक्सअप हो गई इसलिए पहचानने में भूल हो गई इसको। स्वीटी नहीं, बाद में पहचान ली थी कौन सी गोरी वाली थी, एक वो गोरी वाली थी, बट वो अचानक से क्या हो, खूब सारे छोटे छोटे बछड़े बच्चे बदले हुए थे, उन्हीं के अंदर दोबारा से मिक्स हो गई, फिर से गुम होगी। बात क्या पूछ रहे थे लगभग कितनी गायें हैं, तो बता रहे कि 1200-1300 गायें, जो हमने देखा वो तो एक स्मॉल सा पार्ट था जहाँ पे हम चारा डाल के आए, बाकी 30 किले हैं पीछे वहाँ पे छोड़ी हुई हैं, शाम को आ जाती हैं गायें वापस। करीब करीब 47 किला है, किले का टोटल है जिसके अंदर की ये सारा सेटअप किया हुआ है गौशाला का, 17-18 किलो में जिसमें हरा चारा है, फिर तूड़ा लेना पड़ता है, और तूड़ा भी करीब करीब जो दान में आता है उसके बावजूद कम से कम 30-35 लाख का तूड़ा साल में लग जाता है कि जो ऊपर से इनको खरीदना पड़ता है। तो इट्स नॉट अ ईजी जॉब कि 1200-1300 गाय मेंटेन करना, बहुत डिफिकल्ट है, प्लस में कोई बीमार भी हो रहा है बछड़ा, उसका भी ध्यान रखना, डॉक्टर की भी फीस है, तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो भगवान की सेवा ही है जो कर रहे हैं। साहब नाम क्या है? रमेश चंद नाम है जी। हाँ आप भी कभी इधर आते हैं अगर कुछ दान करना चाहें तो मूर्थल की गौशाला है, यहाँ पर आके दान कर सकते हैं, एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है और ऐसे कुछ ज़बरदस्ती नहीं है, बस खुद की मन की संतुष्टि के लिए। अब मैम पहले हम सोचते थे कि जाएंगे, अब एक फिक्स बना लिया है कि बुधवार या वीरवार को जाना है, ज़्यादा नहीं 200-300-400 रुपये जितना भी आप दे सकते हैं, जितना भी अफोर्ड कर सकते हैं, जितना भी आपका मन मानता है या आपको दिल करता है वो दे सकते हैं, प्लस में आके गायों को देख सकते हैं, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। रमेश चंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, चाय भी पिलाया उन्होंने प्योर दूध का, मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच सर। ठीक है। गोबर बिकता है? गोबर बहुत महंगा बिकता है, मैंने पता नहीं कहीं पढ़ा था न्यूज़पेपर में, जैसे खाद वगैरह में डलता है ना तो महंगा ही बिकता है। आई डोंट नो है क्या सही कट निकाला है, मजा आ गया। तो एक्सपर्टीज इसे तो कहते हैं। सही। अब एक जगह से गाड़ी निकाल ली थी, मैडम से निकली नहीं तो हमें आना पड़ा सीख पर। मैडम बिल्कुल एकदम साथ से निकाल रही थी उसके ना, तो मैंने कहा साथ से निकाल तो रही हूँ, बट यहाँ से निकलेगी नहीं, साइड क्रश देगी। बेटा प्लीज चुप हो जाओ। चुप नहीं होती, यहाँ से नहीं। तेज चलेंगे अभी बेटा, जल्दी सिर उठा लिया ना इसलिए गाड़ी तेज चला। बेटा अगर चुप रहोगे ना तभी आइसक्रीम मिलेगी, एकदम चुप। थैंक यू बेटा। गंदे मम्मी गंदे पापा।
सब गंदे हैं। हाँ, एक पुम्बा ही अच्छी है, बाकी सब बेकार है। नहीं नहीं, नहीं, नहीं अभी आप क्या कह रहे थे कि पापा गंदे हैं? अच्छे हैं पापा। हाँ। अभी कैसे अच्छे हो गए? बहुत अच्छे पापा। बहुत अच्छे पापा। अभी अच्छे कैसे हो गए? पता नहीं मुझे। आइसक्रीम ले रहे ना, इसलिए अच्छे हो गए। सब पता है आपको। थोड़ी देर पहले गंदी मम्मी, गंदी रसू, गंदे पापा। अब अच्छे पापा, अच्छे मम्मी, अच्छे 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 तो तू। ओ फूट गई। तीन साल की है, गिन के है भाई सब। देखो मतलब ही कैसे है बच्चे। हेलो। कौन सिखाता है इनको मतलब है? जा उधर पीछे जा। मम्मी कैसी है? वो गंदा है ना मम्मा? अच्छा है मम्मा? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। पापा भी अच्छे हो गए? हाँ पापा अच्छे हो गए। क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ अभी गाड़ी में चलाना वरना मेरी आइसक्रीम गिर जाएगी। तो गाइस ये था आज का एक छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इट्स बी विष्णु, टेक केयर, बाय बाय, कीप वाचिंग, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। कीप वाचिंग, लव यू, बाय बाय। बाय बोलो। बाय बाय। बाय बोलो बम्बो। बॉम Wow. Been a little too nice for y'all. Now I got a up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars. I'm flipping the.